नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मजार वाली समाजवादी साजिश, योगी सरकार में अब ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पिछली सरकारों की कारगुजारी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि सत्ता की अनक में कैसे जमीन जयाद को शह दी जा रही थी। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि औरंगजेब के शासनकाल में कैसे हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मस्जिद या फिर मजार में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन क्या 21वीं सदी में भी यह संभव है? मथुरा के ताजा मामले में यही साबित हो रहा है कि 2004 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त औरंगजेब की कार्रवाई जैसी ही कार्रवाई की गई, इसे दोहराया गया। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर पहले कब्रिस्तान का रूप दिया गया और फिर वहां मजार बना दी गई। क्या तुष्टिकरण के चलते कोई सरकार इतनी गिर सकती है कि किसी एक समुदाय को जमीन जयाद की छूट दे दी जाए? कौन है कलयुगी औरंगजेब? आज खबर विशेष में इसी मजार वाली समाजवादी साजिश पर चर्चा करें। और इस वक्त की बड़ी खबर है, मथुरा में मंदिर की जमीन पर मजार बनाने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता समेत 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 2004 में जमीन का अभिलेख बदल दिया गया था, मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन के तौर पर दिखाया गया। तत्कालीन समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष भोला पठान ने हेरा फेरी करवाई थी और तत्कालीन तहसीलदार लेखपाल प्रधान भी साजिश में शामिल थे। कोसी कला के शाहपुरा गांव का मामला है, वही कोसी कला जो दंगों के लिए विख्यात था, उसी कोसी कला में इस तरह की करतूत की गई थी जहां मंदिर की जमीन को पहले कब्रिस्तान की जमीन के तौर पर भू अभिलेखों में दर्ज कराई गई। इसमें समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष, तत्कालीन तहसीलदार, लेखपाल और प्रधान पर सीधा आरोप है जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई। आपने औरंगजेब का नाम तो जरूर सुना होगा, मंदिर को तोड़ने के लिए कुख्यात मुगल शासक। लेकिन क्या आजाद भारत में आप किसी औरंगजेब की कल्पना कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन मथुरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ठीक औरंगजेब वाली हरकत हुई है, लेकिन यहां तरीका दूसरा था। यहां एक मंदिर के जगह मजार बना दी गई, वो भी पूरी साजिश के तहत। जी हां, साल 2004 में मंदिर के जमीन के अभिलेखों में हेर फेर कर उस पर कब्रिस्तान दर्ज करवा दी गई। एसपी जिलाध्यक्ष भोला पठान की इस साजिश में तहसीलदार, लेखपाल, प्रधान भी शामिल थे। यही नहीं, 15 मार्च 2020 को प्राचीन मंदिर के गर्भगृह को तोड़कर उस पर मजार बना दिया गया। यहां पहले से बने मंदिर परिसर में कुएं को भी नष्ट कर दिया गया। 2004 में राजस्व दस्तावेजों में हेरफेर हुई, मंदिर के जमीन को कब्रिस्तान दर्ज करवाया। 2004 में एसपी जिलाध्यक्ष भोला पठान की साजिश, तहसीलदार, लेखपाल, प्रधान साजिश में शामिल। 15 मार्च 2020 में मंदिर की जमीन पर मजार बना दिया, पहले से बने मंदिर परिसर में कुएं को नष्ट कर दिया। 2020 में उन लोगों ने हमारे जो बिहारी जी मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसके ऊपर जो सिंहासन है उसको तोड़ के उस सिंहासन वाले स्थान पर और मजार बना दी। ऐसी घटनाएं हमारे देश में इस समय जो हो रही है बड़ी शर्मनाक है कि जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ के जगह जगह मस्जिदें बनाई जा रही, मजारें बनाई जा रही है, बहुत ही निंदनीय है। अब हम बहुत शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल संतों का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और अपनी बात उनके आगे रखेंगे और हमें निश्चित पूर्ण विश्वास है कि बांकी बिहारी जी का मंदिर वहां हम लोग बहुत जल्दी भव्य मंदिर बनाएंगे। हालांकि हिंदू संगठनों के लगातार विरोध के बाद मामला जांच तक पहुंचा और अब तत्कालीन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भोला खां समेत 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मथुरा से धराजीत सरस्वत के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं, सवालों से आपको रूबरू कराते हैं। समाजवादी साजिश को लेकर सवाल है, किस तरह से एक जमीन जो मंदिर के नाम थी, जहां मंदिर हुआ करता था, उसे बाकायदा पहले कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज कराया जाता और फिर वहां मजार बनवाई जाती है। तो मथुरा में मंदिर की जमीन पर आखिर मजार किसने बनवाया, क्यों बनवाया और किसने शह दी, ये बड़ा सवाल। और क्या सत्ता के लिए साइकिल का जमीन जिहाद ठीक है, जमीन जिहाद को लेकर ये बड़ा सवाल। साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या फिर से औरंगजेब वाली साजिश चल रही है,
2004 में समाजवादी पार्टी की सत्ता थी प्रदेश में और उस वक्त समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर यह सीधा आरोप है। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता दारजीत सारसत मथुरा से लाइव कनेक्ट है, संवाददाता अविनाश सिंह लखनऊ से लाइव कनेक्ट है। दारजीत, किस तरह से ये मामला खुलकर सामने आया और जब 2004 में साजिश रची जा रही थी तब मामले को लेकर क्या कोई विरोध नहीं हुआ? दस्तावेजों में किस तरह हेरा फेरी कर दी गई, जो मंदिर की जमीन थी उसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, ये क्रम लगातार लंबे समय से चल रहा था और कुछ षड्यंत्रकारी इस पूरे षड्यंत्र को लगातार रच रहे थे। इसमें बोला खान जो सपा के बूथ अध्यक्ष हैं वो मेन लीडर थे और दूसरा ग्राम प्रधान और जो राजस्व टीम थी इन सभी ने मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। जब दस्तावेज कंप्लीट हो गए, सारे दस्तावेज के आगे अगर शासन प्रशासन से हम इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो हम अपने दस्तावेज भी दिखा सकते हैं। इस को लेकर पूरा एक जाल बिछाया गया और 2004 में इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। जब 2022 की बात करें, 20 की बात करें तो इस पूरे जो मजार था इस पर अतिक्रमण किया गया, यानी मजार बनाई गई और जो मंदिर की जमीन थी, गर्भगृह थी, उसको वहां से क्षतिग्रस्त किया गया, कुएं को हटाया गया। अब SSP जो अभिषेक यादव है उनके मामला पूरा संज्ञान में आया है, जिसके बाद भोला खान सहित 23 लोगों के जो नाम जद है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस जल्द दावा कर रही है। कोसी कला का ये मैटर, कोसी कला दंगों के लिए विख्यात था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लगातार ये हमला बोला चुनाव प्रचार के दौरान भी, कि कोसी कला से दंगा शुरू होता था समाजवादी सरकार में और सरकार जाते जाते भी कोसी कला में दंगा हुआ। कोसी कला का थोड़ा सा इतिहास बताइए और जो लोग इस मामले में नामजद किए गए हैं उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या हुई है धारक जी? देखिए, कार्रवाई की बात करें तो अभी FIR दर्ज हुई है, पुलिस कप्तान से भी हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, बहुत ही संगीन मामला है। जिस तरीके से राजस्व अभिलेखों को चेंज किया गया है, यानी एक पूरा षड्यंत्र था धार्मिक उन्माद फैलाने का, बताया जा रहा है कि बीच बीच में इसको लेकर तनाव भी रहता रहा है, साधु संत आक्रोशित भी हुए हैं, स्थानीय लोगों की महापंचायत भी हुई है और जो शिकायत करता है उन पर अवैध रूप से यानी गलत मुकदमे भी उन पर दर्ज कराए गए हैं, यानी उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जोड़कर दबाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये घटनाक्रम अब पूरी तरह साफ हो चुका है, जो दस्तावेज हैं उनमें साफ ये हो चुका है कि इन्होंने किस तरीके से उस अभिलेखों को बदला और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से रातों रात उस जमीन पर पहुंचकर 20-35 लोगों ने उस जमीन पर पहुंचे हथियारों के बल पर कब्जा किया। जब तारबंदी कर रहे थे जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद जो हिंदू संगठन थे यानी स्थानीय लोग थे उन्होंने जब अभिलेखों की जांच पड़ताल की तो उसमें पता चला कि जो बिहारी जी मंदिर के नाम से जो जमीन रजिस्टर्ड थी उसको कब्रिस्तान की जमीन में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब ये पूरा मामला पुलिस के सामने है, पुलिस ने पूरी तहकीकात की है, विभाग को इस पूरे प्रकरण की पहले जांच सौंपी गई थी, अभिलेखों का पूरा सत्यापन किया गया और उसके बाद भोला खान सहित 23 लोगों के खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज हुई है, यानी जांच पुलिस पूरी कर चुकी है। अब FIR हुई है क्योंकि धारा 420 का मामला है, 467 है, 468 है। अब पुलिस यह कह रही है कि अब जो आरोपी हैं जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है और जो राजस्व टीम है इन सभी को चिन्हित किया गया है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। दर्जीत, एक तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे थे, उस जगह पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और साथ साथ हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग भी पहुंचे हैं, संत महंत पहुंचे, क्या वहां पर ये कार्रवाई की गई है जब तमाम लोग पहुंचे थे? देखिए, लगातार इस जो धर्म हिंदूवादी संगठन है, धर्म रक्षा संघ है, स्थानीय लोग हैं, लगातार जब उनको इस बात का पता चला कि षड्यंत्र के तहत इस जो बिहारी जी मंदिर की जमीन है उसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है तो मौके पर देखने के लिए वो लोग पहुंचे, यानी तनाव का माहौल था, पुलिस प्रशासन भी उस जगह पर पहुंचा और वाकई देखा कि जो गर्भगृह की जमीन है वो वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, राजस्व अभिलेख कहते हैं, यानी जो शिकायत करता है उन्होंने RTI के जरिए और वैसे भी अन्य तरीके से शिकायत की, जो वक्फ बोर्ड है उससे भी स्पष्ट कर दिया था कि जो दस्तावेजों में हेरफेर की गई है। इसके बाद लगातार जो शिकायतकर्ता थे अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, क्षेत्र में उबाल था, कई दिन पहले की बात करें तो 15 दिन का एक अल्टीमेटम भी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद ये जांच शुरू हुई थी और अब इस जांच जो रिपोर्ट FC तैयार कर रहे थे वो कप्तान
को सौंपी गई है और इसमें अब 23 लोगों को नामजद किया गया है। ठीक है दर्जी, तो बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। अविनाश का रुख करते हैं, अविनाश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। अविनाश, जिस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार घिरी रही है, अपीजमेंट वाला एक मुद्दा जिसको लेकर लगातार आरोप लगते रहे, उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा कि समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष एक ऐसी घटना में इन्वॉल्व होता है जहां पर मंदिर को पहले कब्रिस्तान बताया जाता है, फिर वहां मजार बना दी जाती है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है और जिस जिलाध्यक्ष का इसमें जिक्र हुआ है, हालांकि देखिए इस पूरे मामले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन आप समझिए कि चूंकि वहां के जो स्थानीय लोग थे इस बात को बहुत पहले से जानते थे और पहले से विरोध किया जा रहा था कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया कब्रिस्तान और मजार के नाम पर, वो जमीन एक मंदिर की जमीन थी, लेकिन चूंकि अभिलेखों में हेरफेर किया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद पहले वहां कब्रिस्तान बनाया जाता है, उसके बाद मजार बना दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर देखिए ये एक संगीन अपराध है। और चूंकि कहीं ना कहीं जो एंटी भूमाफिया सेल बना है उत्तर प्रदेश में, उसके तहत इसमें अब कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अवैध तरीके से किसी दूसरी जमीन पर, भले ही वो मंदिर की जमीन है, लेकिन किसी दूसरी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है, तो इसमें देखिए जो वहां का स्थानीय प्रशासन है वो तो काफी सख्त है ही, लेकिन ये जो पूरा मामला है अब सरकार की नजर में है, यहां के जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी इस बात की सूचना है कि वहां पर मथुरा में एक मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से अभिलेखों में हेरफेर कर कब्जा किया गया और कब्रिस्तान से मजार बनाया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये इस पूरे मामले के खुलासे के बाद जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, चाहे हम उस समय के वर्तमान सपा के जिलाध्यक्ष की बात करें या जो दूसरे लोग थे जिन्होंने अभिलेखों में हेरफेर किया, फर्जी दस्तावेज तैयार कराया, 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी मानी जा रही की होने जा रही है। ठीक है अविनाश और दर्जीत, आप बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। इसको लेकर संतों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, मथुरा के महंत संत क्या कह रहे हैं सुने। इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे साथ संत समाज मौजूद है, धर्म रक्षा संघ वहां पर मौके पर भी गया था। क्या हालात थे जिस वक्त आपने देखे थे और क्या जो दस्तावेज थे उनमें क्या तथ्य ऐसे थे कि जो परिवर्तन किया गया था? देखिए दस्तावेज की जहां तक बात है तो ये पुराने जमाने से बिहारी जी मंदिर की जमीन चली आ रही है, एक समय में तो ये शाहपुर गांव पूरा बिहारी जी के मंदिर के नाम से ही था, मगर आज भी 2004 से पहले तक जो जमीन बिहारी जी के नाम थी, तो उस समय एक कोई भोलाराम नाम का व्यक्ति था जिसने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी जो समाजवादी पार्टी सरकार थी उस समय के प्रशासन को अपने साथ मिला के और उस जमीन को कब्रिस्तान के नाम दर्ज करा लिया, पर कब्रिस्तान के नाम दर्ज होने के बाद जो स्थितियां रही बहुत दिन तक वो वैसी रही, मगर 2020 में उन लोगों ने हमारे जो बिहारी जी मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसके ऊपर जो सिंहासन है उसको तोड़ के उस सिंहासन वाले स्थान पर और मजार बना दी। बिहारी जी के मंदिर को तोड़ करके, सिंहासन को तोड़ करके वहां मजार बना लेना, ये जो है बहुत बड़ा कुकृत्य है। जब ये धर्म रक्षा संघ के संज्ञान में आया तो हम सब धर्म रक्षा संघ की तरफ से वहां गए, उसका मुआयना वगैरह किया, अधिकारियों से भी बातचीत की, तो जो तथ्य हैं वो भी अधिकारियों के समक्ष रखे गए हैं। पहले की प्रशासन पूरा समाजवादी पार्टी का था और वो मुस्लिम पक्ष में थी, जो भी हिंदू देवताओं की जो भूमि थी वो मस्जिदों के लिए देना, कब्रिस्तानों को देना, ये वहां उस सरकार का ही कार्य था। दाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। दारजीत, एक बड़ा आरोप है कि वहां गर्भगृह हुआ करता था मंदिर का, उससे भी तोड़ा गया, क्या इससे संबंधित धाराएं लगाई गई, क्योंकि आपने बताया कि 420 यानी कि धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है, कौन कौन सी धाराएं और कितना गंभीर मामला है? देखिए मामला गंभीर है क्योंकि एक प्राचीन मंदिर था, प्राचीन मंदिर की जमीन को वो भी कब्रिस्तान में तब्दील करना और फिर वहां पर मजार बनाना, यानी कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए ये सब किया गया। मामला तूल भी पकड़ा लेकिन उस समय सपा की सरकार थी, मामले को दबा दिया गया। अब हिंदूवादी संगठनों ने देखा है कि अब जो जमीन है वो योगी सरकार में वापस आ सकती है, तो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, वहां जाकर अपना विरोध जताया और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर और प्रशासन को भी पत्र लिखकर हिंदूवादी संगठनों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। शायद यह उसी का नतीजा है कि अब कार्रवाई तीव्रता से हुई और
है जो लोग हैं आरोपी हैं भोला खान और उसके साथ ही और राजस्व टीम इनके खिलाफ धारा 420 467 468 के तहत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जी बिल्कुल अविनाश, कोसी कला को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, चाहे वो दंगों को लेकर हो या फिर अब इस मामला के सामने आने के बाद। लेकिन अखिलेश यादव ने जब कहा था कि एक साल में हम राम मंदिर बना देते अगर हमारी सरकार होती, अब वो अखिलेश यादव खुद सवालों के घेरे में, क्योंकि उन्हीं के पिता की जब सरकार हुआ करती थी मुलायम सिंह यादव की प्रदेश में, तो फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया और उसी तबके को लेकर सवाल है जिसको लेकर अपीज करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगातार लगा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां तक इस मामले का सवाल है तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं और जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी उनका सीधे तौर पर आरोप है कि सपा सरकार में ही उस मंदिर की जमीन पर कब्जा हुआ और तब भी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर। और देखिए इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती है चुनाव में। चुनाव जब भी आता है भाजपा ये आरोप लगाती है सपा पर कि सपा इस सरकार में सिर्फ कब्रिस्तानों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कब्रिस्तानों को कैसे जमीन दी जा सकती है, इस चीज को लेकर सपा काम करती है। तो ये आरोप आज से नहीं समाजवादी पार्टी पर पहले से लगते रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल कोसी कला के उस मंदिर का है तो देखिए उसमें एक कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर बात यह है कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उस मंदिर के सिंहासन को, जो बिहारी जी की जो जमीन बताई जा रही है कि उस सिंहासन को तोड़ा गया और सिंहासन को तोड़ने के बाद वहां पर मजार बनाया गया। तो चूंकि देखिए अब पूरा मामला पुलिस में है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि शासन के अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ काफी कड़ी कार्रवाई होने वाली। ठीक है अविनाश, आप बने रही, दर्जीत भी लगातार बने हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष बोलने से इनकार कर रहा है, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा है ये सुनिए। में केवल कब्रिस्तान की चारदीवारी ही नहीं बनाई जा रही थी बल्कि इतना ज्यादा कब्रिस्तान से प्रेम था कि मंदिर के स्थानों को भी उन्होंने कब्रिस्तान में दर्ज करने का काम किया। सारे अभिलेखों की जांच हो रही है और अभिलेखों की जांच के आधार पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन दोषियों पर कठोरता से कार्रवाई होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस तुष्टीकरण के प्रेम को उत्तर प्रदेश की जनता, उसने सजा पहले ही दे रखी है और आने वाले चुनावों में भी इसकी सजा मिलती रहेगी। अविनाश, ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस तरह से कब्रिस्तान प्रेम का जिक्र बीजेपी करे कि समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान प्रेमी इतनी थी कि मंदिरों को तोड़कर कब्रिस्तान मजार बनवाए गए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाजपा हमेशा से ही सपा पर यह आरोप लगाती रही है, खासतौर पर चुनावों के समय कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ कब्रिस्तानों की दीवारें बनाई जाती हैं, जो हिंदू धार्मिक स्थल होते हैं उनकी कोई देखरेख नहीं होती, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। और जिस तरीके से देखिए कोसी कला में जिस पूरे जो ये पूरा मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आरोप है समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर वहां पर लग रहा है कि उनकी देखरेख में उनकी वजह से ही वहां पर इस जमीन पर किया जा सका। क्योंकि देखिए चूंकि उस पर संलिप्तता उस समय के जो वहां के ग्राम प्रधान हैं उनकी भी कही जा रही है कि उनकी जानकारी में होने के बावजूद जो वहां की फाइल थी उसको लखनऊ तक भेजा गया, उस फाइल को उस फाइल पर मुहर भी लग गई जिसके बाद उसको कब्रिस्तान में तब्दील किया गया, उसके बाद वहां पर मजार बना दी गई। तो निश्चित तौर पर देखिए समाजवादी पार्टी हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है लेकिन जो आरोप है सपा के ऊपर वो बेहद बिल्कुल। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए अविनाश और धर्जीत आपका बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी खबर करेंगे कुछ